अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं। मैं मतलब एक दो मंथ्स हो गए हैं। ईद पर लास्ट व्लॉग बनाया था, हाँ ईद पर लास्ट व्लॉग बनाया था। तो अपडेट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो पहली चीज़ तो हमने रेनोवेशन करवाई है, पूरा कलर वगैरह करवाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हालत बहुत ख़राब है घर की। मैं बता रही हूँ क्यों ख़राब है। ये हमने कुछ चेंजिंग्स करवाई हैं। अच्छा ये ठीक है, ये हमने कुछ चेंजेस करवाई हैं। ये जो है ना चांद रात वाला व्लॉग होगा ना, उसमें आएगा। खैर तो उसके अलावा जो है अभी जो है मैं दिखाती हूँ कि ये जो है ना ये सोफ़ाज इनकी हालत आप देख सकते हैं, बहुत ख़राब हो चुकी है। ये चेयर्स, ये तो खैर अभी नहीं मंगवाई थी, ये देख रहे हैं पूरी हालत सोफ़ाज की ख़राब हो चुकी है। और बाहर की हालत कुछ ये हो गई है। दिखाती हूँ सब दिखाती हूँ ठीक है, जो मतलब बताती हूँ ये क्यों हुई है। और ये देखें सोफ़ाज़ वगैरह ये वाले भी पूरे फट गए हैं। और ये तो ये ख़राब, मैं पहले बता दूँ हमारी आदत नहीं है सोफ़ा वगैरह ख़राब करने की, लेकिन ख़राब इसलिए हुए हैं क्योंकि मम्मा ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उस वजह से ज़ाहिर बात है ट्यूशन के बच्चे आते थे, जैसे स्कूल ख़राब होता है घर भी काइंड ऑफ हमारा स्कूल ही होता था शाम तक। तो इस वजह से थोड़ी सी घर की चीज़ों की हालत भी ख़राब हो गई है। उसके अलावा हमने जो है ये कलर वगैरह करवाया है, मतलब काफ़ी चेंजिंग हो गई है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये सब बिखरा हुआ है। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये कि ये आज सोफ़ाज जा रहे हैं। ये कितने साल मम्मा हमारे पास थे? सेवन ईयर्स ये हमारे पास थे। मतलब जब से हमारा ये घर बना था तब से ये सब चीज़ें, ये हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये रूम हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना जब से बस हमारा घर बना है तब से हैं ठीक है। तो आज ये सोफ़ा जा रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं। उसके अलावा अभी मैं आपको दिखाऊंगी शाम को ये पर्दा एक लगा हुआ है, यहाँ दूसरा पर्दा आएगा, ये वाली जगह चेंज होगी यहाँ पर। ये तो खैर इसकी हमने फ्रिज यहाँ पर पड़ी होती थी, आपने देखा था, अब यहाँ पर आ गई है फ्रिज। और यहाँ पर जो है वाज आ जाएगा। मम्मा ये पानी का ये कहाँ अंदर चला जाएगा ना किचन में, ये पानी का अंदर किचन में चला, कूलर, हाँ वाटर कूलर ये किचन में चला जाएगा। हाँ तो वो सेटिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई हैं और मुझे लग रहा है कि वेट गेन भी बहुत हो गया है। खैर तो वो आप बाद में देखेंगे कि कौन सी चेंजिंग्स आई हैं। और बाकी ये सब चीज़ें, अंजा हेलो हेलो, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने कराची में ब्लॉग बनाया था थोड़ा थोड़े, तो अपलोड भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, उसके लिए एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो बस इंशाल्लाह जल्दी हम एडिट करेंगे। और ईद के तीसरे दिन भी हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, या बीच बीच में हमने थोड़े थोड़े व्लॉग्स बनाए थे, जैसे मदर्स डे का व्लॉग हो गया। तो वो थोड़े थोड़े पीसीज हैं, हम इंशाल्लाह जल्दी वो भी एक व्लॉग में मर्ज करके जल्दी अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। हाँ वो भी हम जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और बाकी फिर मैं आपको शाम को ये दिखाऊंगी सारा, ये हट जाएगा यहाँ से और ये सी चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ पर दूसरे सोफ़ाज आ जाएंगे और फिर मैं आपको शाम को दिखाती हूँ। अच्छा अभी किसे दिखाएगा आपको वो सोफ़ा लेकर जा रहे हैं। A few moments later. भी इन्होंने वॉल क्लॉक भी ऑर्डर किया था और ये आ गया है। ये रही सीजर्स, इससे कट करें और दिखाते हैं कि इन्होंने कौन सा ऑर्डर किया है, क्योंकि हमने सोचा है इस बार हम इंशाल्लाह लॉन्च सेट करेंगे इस बार इंशाल्लाह। चलो खिजर जल्दी करो, ध्यान से खोलो, ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है। दिखाते हैं, ये रहा वॉल क्लॉक जो हमने लाउंज के लिए ऑर्डर किया था। ये
रहा वॉल क्लॉक, और इन्होंने फ़ोन भी ऑर्डर की थी, अगर वो भी आज आ जाती है तो वो भी इंशाल्लाह उससे भी आके आप ब्लॉग भी देखेंगे। तो अब तक के लिए तो यही है, एक साथ चली गई है सेंटर पर और फिर और मैं देख रहे थे अब फिर जाके उनके लिए फिर लेकर आएगा और लगा देंगे या मैं भी सब लगाए लेटर। ये बिलावर जाके शॉपिंग कर रही हैं जबकि इनकी शॉपिंग हो भी गई है। ये सब खाता था हमने जो हमारा जो है ना लेने का बिल्कुल प्लान नहीं था कुछ भी। पिज़्ज़ा ने सख्ती से मना किया था कुछ भी नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी बेबी की शॉपिंग हो चुकी है, बहुत शॉपिंग कर ली है, लेकिन पिज़्ज़ा जब आए तो कुछ तो लेकर देगी ना है ना, तुम लोग पहनोगे ना। हाँ तो हमने वो जो है ना छोटा सा पिंक कलर का जो है ना रोम्पर ले लिया है, ये वाला साइज सही है या थोड़ी बड़ी बनाऊं? थोड़ी बड़ी ये मेरा साइज है, ये 6 to 9 मंथ लिया आज दिन दोनों को चुप नहीं है मेरा बच्चा होता तो मैं ये लेती अब इन्हें ट्राउजर भी लेना है कुछ लेना नहीं था बिला वजह ये ले रही है पता नहीं क्या एकदम ट्राउजर रखती है ना नाइट लाइन इन्हें बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी थी। और फिर इन्हें क्या चाहिए आपको? वो टेडी बियर्स चाहिए मुझे इन्हें टेडी बियर्स चाहिए। चले देखते हैं बस ये अब एल्सा लेकर चलेगी बजट तक है ना। बाकी सामान अभी हम नीचे आए हैं पिज्जा की एक क्रीम लेने, बस एक क्रीम लोगी पिज़्ज़ा सिर्फ एक क्रीम लेगी। नहीं वैसे हमने दिए वो ऊपर पड़ी है ट्रॉली। हाँ क्या ट्रॉली गाड़ी ट्रॉली कहीं पे जाते थे ना ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करती थी, मैं हमेशा कहती थी ये मैं लेकर अपने बालों में लगाऊंगी फिर मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे, पर मेरे बालों मान का ना वो वाला शौक ख़त्म हो गया गोल्ड इतने बड़े करने का। आप देखें कितने बड़े हो जाते हैं उनको कट करने से। क्या करें आई हूँ कुछ तो लेकर जाऊंगी ना, पिज़्ज़ा को हर चीज़ में शौक होता है। हाँ मुझे क्रॉकरी तो बहुत पसंद है, क्रॉकरी तो मुझे भी बहुत अच्छी क्या उसको दिए ना ये ये गुजर के लिए त्रिच ये डोरेस के लिए। फिलहाल तो किसी की बर्थडे भी नहीं है हम गुजेल की है, बट वो अभी हम प्लान नहीं करेंगे। ये देखो ये भी आ गए
भाई सामान ले लिया है हमने, अंदर रखी शुरू जनरल कर रहा हूँ। हेलो चले चले काटमा, ये शॉपर्स लूंगी, ये शॉपर्स। चलो अब जो है ना हम आपसे घर जाकर मिलेंगे अगर ब्लॉग बनाए तो, वरना कल मिलते हैं। कल है चांद रात। यस ये प्री चांद रात है, बट ब्लॉग पूरा एक ही बनेगा। The next day. अच्छा जी, तो ईद मुबारक। मैं कब से मेकअप करके खड़ी हुई हूँ कि लाइट आ जाए तो अपने बाल बना लूँ। ड्रेस मैंने प्रेस कर ली है और ये ईद का व्लॉग हम अभी से बना रहे हैं। मैं घर भी आपको फिर थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। हमने सारा सेट किया है तो अभी सफाइयाँ चल रही हैं, तो सफाई वगैरह हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने मेकअप किया हुआ है अभी, जो कि अब ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी किया था, लाइट का यहाँ इतना इशू है, इस वजह से ना हमने चांद रात का व्लॉग बनाया, कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो बस अभी वेट कर रहे हैं लाइट का, और ये थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, लेकिन लाइट आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा। मैं खुद रेडी होकर अभी यहाँ पर अंदरा भी रेडी हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। ऐसा तो रेडी हो गई है और अभी मैं होना स्टार्ट हुई क्योंकि अभी डेढ़ बज और 12:30 हो रहे हैं। और एल्सा ने इतना टाइम लगाया, लिटरली बैठी हुई थी और मैंने आधे घंटे का नैप लिया। वैसे हम ईद पर नहीं सोते, बट इस दफ़ा अच्छा पता नहीं क्यों दो फील हो रहा था तो मुझे नींद आ गई। और मैं जब उठी तब भी एल्सा मेकअप भी कर रही थी और फिर एल्सा मुझे कह रही थी तुम तैयार हो तैयार हो तैयार हो। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगी, ऐसे करो। चलो अंदर मेकअप कर लेती है, यहाँ भी थोड़ा दिखा देती हूँ। ये करवाया था लेकिन ये हमने उस दिन जो ब्लॉग बनाया उसमें दिखाया है, जो यहीं होगा पहले। तो हो ये थोड़ा सा फैला हुआ है, जब पूरा सेट हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अंजा का ईद का ड्रेस है, ये मेरा ईद का ड्रेस है। बाकी अभी बस लाइट आ जाए मैं फ़ौरन से मेकअप कर लूँ, देन आई एम गुड टू गो। अच्छा जी ये देखें, तो ईद मुबारक टू एवरीवन। हमारी हालत ख़राब हो गई है मेरे पसीने से मेकअप। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने शायद सुबह आपको बताया था हाँ कि रेडी होकर मिलते हैं। तो अभी का कितना टाइम हो रहा है अंजा? 6 बज रहे हैं और हालत बिल्कुल ख़राब है। ये मेरी कोटी भी थी इस ड्रेस के साथ जो कि मैंने उतार दी है। ये सद्दा का हाल ख़राब हो गया है, अंजा का हाल उधर ख़राब हो गया है, मेरा इधर ख़राब हो गया है। और मैंने इतनी मुश्किलों से अंजा और मैंने तो हाल बनाए आप पूछें ही मत। और सद्दा पोज मार कर खड़ी है। तो ईद मुबारक टू एवरीवन। अभी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, वरना बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि 3-4 दिनों से लाइट नहीं है।